स्वतंत्र भारत के इतिहास में 75 साल बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश के बंटवारे के दर्द को याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अभूतपूर्व पहल करते हुए भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंटवारे के दर्द को याद करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा है, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। #PartitionHorrorsRemembranceDay का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। एक अनुमान के मुताबिक 75 साल पहले हुए भारत के बंटवारे में करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी और करीब इतने ही लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा था।